ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हम दोबारा आए हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक हम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं फिर आपको एडवाइस कर रहा हूं कि दोस्तों प्लीज़ पहले आप जो थ्योरी मैंने आपको दे रखी है उसको लर्न करें, उसके बाद कोशिश करें इन क्वेश्चंस को करने की, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो हमारे पास है उसमें दे रखा है आपको आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो नेचुरल नहीं होता उसे आप आर्टिफिशियल कहते हैं। तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हो गया, सैड यानी दुखी, इनसिंसियर यानी जो गंभीर नहीं होता, नेचुरल यानी प्राकृतिक, अननेचुरल आर्टिफिशियल का सिनोनिम है। तो हमें तो एंटोनिम पूछना है, तो एंटोनिम तो सी हो जाएगा, नेचुरल। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम और नेचुरल यानी प्राकृतिक, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये 2018 एलडीसी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन आपने अगर पढ़ा हो तो ये हम प्रपोजिशन में भी पढ़ते हैं, रिफ्रेन के बाद फिक्स है, फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम यानी किसी चीज से दूर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम दूर रहना, किसी भी चीज से दूर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम बचना, दूर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम। तो अवॉइड यानी बचना होता है, ये सिनोनिम हो गया। डिसिस्ट या डिजिस्ट दो इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, डिसिस्ट के बाद भी फ्रॉम लगता है और इसका मतलब भी दूर रहना होता है, डिसिस्ट फ्रॉम किसी से दूर रहना बचना। एब्सटेन के बाद भी फ्रॉम आता है, एब्सटेन फ्रॉम से मतलब होता है दूर रहना बचना। अवॉइड यानी बचना, डिसिस्ट यानी बचना, रिफ्रेन फ्रॉम बचना, और ये एब्सटेन फ्रॉम यानी बचना, इन सब का मतलब बचना है, कोई चीज से बचना, दूर भागना। और कंटिन्यू यानी उस चीज को लगातार बनाए रखना, जारी रखना। तो रिफ्रेन यानी दूर भागना और कंटिन्यू यानी उसको हमको कंटिन्यू करना। तो जो एंटोनिम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिफ्रेन यानी दूर भागना और कंटिन्यू यानी उसी को लगातार कंटिन्यू करना, चलाना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 53 साइलेंट। साइलेंट यानी शांत, तो शोर शराबा ये कह सकते हो आप। क्वाइट यानी शांत, नोइज यानी शोरगुल। क्वाइट यानी ये तो क्वाइट होता है शांत, और ये क्वाइट होता है बिल्कुल, ये क्वाइट विजिबल है, देखने योग्य, तो इसमें आएगा नोइजी। साइलेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा नोइजी, साइलेंट यानी शांत और नोइजी यानी शोरगुल भरा। एलडीसी 2018 में आए थे, जो 12 अगस्त का पेपर हुआ था, 12 अगस्त, 19 अगस्त, 9 सितंबर, 16 सितंबर से चार अलग अलग पेपर हुए थे एलडीसी के, उनके क्वेश्चन भी मैंने निकाल के इसमें डाल दिए आप लोगों के लिए। तो साइलेंट का नोइजी हो गया। फिर आगे देखिए रेटिसेंट। रेटिसेंट यानी होता है बहुत कम बोलने वाला, मित भाषी, अल्प भाषी, जो बहुत कम बोलता है ना, बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति, रेटिसेंट, रेटिसेंट कम बोलने वाला, रेटिसेंट हो गया। आउट स्पोकन हो गया, बहुत ज्यादा बोलने वाला, बड़ बोला, आउट स्पोकन। रेटिसेंट का होगा आउट स्पोकन, रेटिसेंट कम बोलने वाला, आउट स्पोकन ज्यादा बोलने वाला, ठीक है ना। और क्वाइट यानी शांत, कोई यानी शर्मिला, तो शांत, शर्मिला, रिजर्व, ये तीनों एक तरह से सिनोनिम है। जो रिजर्व लोग होते हैं वो रेटिसेंट होते हैं, कम बोलते हैं, जो कोय जो शर्मिले होते हैं वो कम बोलते हैं, शांत तो शांत, तो रिजर्व और वे की बात होगी, तो आउट स्पोकन होगा बड़ बोला, ज्यादा बोलने वाला। आगे चलते हैं स्टूपिड। रेटिसेंट के बाद आ गया स्टूपिड। स्टूपिड यानी होता है बेवकूफ, बेवकूफ, स्टूपिड, तो इसका मतलब हो गया इंटेलिजेंट, क्लेवर, चालाक, चालाक भी हो सकता है। ड्यून्स, ड्यून्स का मतलब भी बेवकूफ होता है। ड्यून्स, सैड यानी दुखी, तो स्टूपिड का ऑपोजिट नहीं होगा। डल यानी भी, डल यानी कमजोर, बेवकूफ टाइप का, जो जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो ये सिनोनिम है ड्यून्स, डल सिनोनिम है, ये दुखी होता है, और स्टूपिड यानी होता है बेवकूफ, और क्लेवर यानी तो चालाक, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए इसमें क्लेवर। स्टूपिड का आंसर हो जाएगा क्लेवर, स्टूपिड यानी बेवकूफ और क्लेवर यानी चालाक, ठीक है।
फिर बात करते हैं 56, इनोमस। इनोमस यानी बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा, बहुत बड़ा, जाइजेंटिक टाइप का कह सकते हैं, बहुत विशाल, बहुत ज्यादा, इनोमस, प्रचुर मात्रा में। एवरेज यानी औसत, सॉफ्ट यानी सॉफ्ट, जानते हैं आप जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। वीक यानी कमजोर, और टाइनी यानी होता है बहुत छोटा, प्यूनी, टाइनी, डिमिनिटिव। तो ये इनोमस का जो ऑपोजिट हो जाएगा, जो एंटोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा टाइनी। इनोमस यानी बहुत बड़ा, और टाइनी यानी बहुत छोटा, कम मात्रा में, छोटा, टाइनी, टाइनी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, ऑब्सोलीट। अगला वर्ड है हमारा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो अब प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित, अब जो फैशन में नहीं है, जो अब आउटडेटेड हो गया है, अब फैशन में नहीं है, उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। तो आउटडेटेड सिनोनिम है ओल्ड, पुराना हो गया, कंटेम्प्रेरी, जो भी चल रहा है, तत्कालीन, जो अभी समय के साथ कही जो है, ये ऑपोजिट है। एक्सटिंक्ट, जो अब विलुप्त हो गया है, जो अब नहीं रहा। तो आउटडेटेड, ओल्ड और एक्सटिंक्ट, ये तीनों तो ऑब्सोलीट के सिनोनिम है। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो कंटेम्प्रेरी है। ऑब्सोलीट यानी जो अप्रचलित है, चलता नहीं है, जो आउटडेटेड हो गया, और कंटेम्प्रेरी जो अभी भी है, तत्कालीन, साथ का है। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी जो है आंसर होगा, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, जो भी चल रहा है इस समय का, ऐसे बोलते हैं। 58, लैचरस। लैचरस आजकल तो बहुत सारे लोग लैचरस हो गए हैं। लैचरस मतलब जो जिनके दिमाग में ना सेक्स बहुत ज्यादा रहता है, कामुक, अय्याश, अय्याश टाइप के लोग, बेवफा टाइप के लोग, वासना के पुजारी कह सकते हैं, भेड़िए जो घूम रहे हैं इधर उधर, रेप करते हैं, ये करते हैं, ऐसे लोगों का जनरली आप क्वालिटी बताएं तो लैचरस शब्द से बता सकते हैं। ये अय्याश टाइप के सेक्सुअल डिजायर इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, इन लोगों कहते हैं आप लैचरस। ल्यूड भी इसी का सिनोनिम है, लस्टफुल, वासना से पूर्ण, लस्टफुल, ल्यूड, लैचरस, और कार्नल, कार्नल, कार्नल भी यही है। ये तीनों सिनोनिम, चारों सिनोनिम है। सिनोनिम में पढ़ा होगा आपने, सिनोनिम नोट्स में भी है, ल्यूड, लैचरस, लस्टफुल, कार्नल, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब होता है कामुक, अय्याश, वासना के पुजारी, सेक्सुअल, सेंसुअस, ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेक्सुअल, सेंसुअस, और ये होता है चेस्ट। चेस्ट यानी होता है पवित्र, ये इसका एंटोनिम है, जो पवित्र है, जो मतलब जो कौमार्य भंग नहीं हुआ, जो जो कभी जिसने सेक्स ना किया हो, ऐसे को बोलते हैं चेस्ट। और ये सब है सेक्स के पुजारी सारे, लैचरस, ल्यूड, लस्टफुल, बात करें हम लोग कार्नल, ये सारे वर्ड हुए। फिर देखिए आप रेलिंक्विश। रेलिंक्विश यानी होता है त्याग कर देना, टू गिव अप, टू गिव अप, त्याग करना, त्याग करना, रिनाउंस करना, गिव, देना, गिव अप, त्याग करना, रिनाउंस कर देना कोई चीज को। तो एब्डिकेट भी त्याग करना ही होता है, डिनाई, मना करना, आपने कुछ चीज दी, आपने डिनाई कर दी, वापस दे दी, त्याग कर दिया, आप नहीं ले रहा मैं, डिनाई, एब्डिकेट। पजेस यानी रखना, डिनाई नहीं कर रहे, पजेस, रख लिया आपने उसको, स्वामित्व ले लिया कि मैं रखूंगा इसको, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। रिनाउंस यानी त्याग करना होता है, रिनाउंस त्याग करना, डिनाई त्याग करना, एब्डिकेट त्याग करना, रेलिंक्विश यानी त्याग करना, और लेना, पजेस करना, मतलब रख लेना अपने पास। तो इसका जो ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो वो हमारा होना चाहिए पजेस। रेलिंक्विश का जो एंटोनिम होगा वो होगा पजेस। पजेस यानी रखना, स्वामित्व रखना, अपने पास कोई चीज को रखना, दैट इज नोन एज रेलिंक्विश। ओके, फिर आगे बात करते हैं काम। काम यानी होता है शांत, काम, शांत, ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होती है, काम वर्ब भी होती है। काम यानी शांत करना किसी को, काम डाउन, इज कामिंग मी,
काम, शांत करना, और शांत भी होता है। एक्साइट यानी होता है किसी को एक्साइट करना, उत्तेजित करना, शांत करना, उत्तेजित करना, एक दूसरे के एंटोनी में विरोधी शब्द है, विलोम शब्द है, तो ये एंटोनिम हो सकता है। प्लेजेंट यानी किसी को खुश बनाना, उत्तेजित करना, भड़काना नहीं, प्लेजेंट करना, तो शांत, प्लेजेंट एक ही वर्ड है, प्लीज खुश करना, पैसिफाई शांत करना, तो काम, पैसिफाई, प्लीज, ये तो सिनोनिम है, और एक्साइट करना, किसी को एक्साइट करना, दैट इज द एंटोनिम। तो हमारा जो ये क्वेश्चन आया था 9 सितंबर को 18 एलडीसी के एग्जाम में, काम वर्ब के रूप में था और इसका जो एंटोनिम होगा वो एक्साइट होगा, ठीक है ना, शांत करना और भड़काना, उत्तेजित करना। अब एक वर्ड है यहाँ पे अक्सोडस, इसका प्रोनंसिएशन होता है अक्सोडस, अक्सोडस मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं बहिर्गमन। आप थोड़ा सरल भाषा में समझें तो बहुत सारे लोग एक साथ अपना गांव शहर छोड़कर भाग जाते हैं, किसी वॉर लड़ाई की वजह से, किसी महामारी की वजह से, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, कोई आग की वजह से, कोई किसी भी रीजन की वजह से, जब एक साथ सारे लोग बाहर चले जाते हैं सरकार के अत्याचार टॉर्चर की वजह से, जब एक साथ बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, एक साथ बहिर्गमन करते हैं, आउटफ्लो करते हैं, तो उसको आप कहते हैं एक्सडस, एक साथ बहुत सारे लोगों का बाहर चले जाना, और एक साथ बहुत सारे लोगों का अंदर आना, वापस देश में आना, वो कहलाता है इनफ्लक्स, इनफ्लक्स। लेकिन यहां इनफ्लक्स नहीं दिया हुआ, आउटफ्लो दिया हुआ है, एक साथ बाहर आउटफ्लो बाहर चले जाना, तो ये तो सिनोनिम है। रिस्टोरेशन, कोई चीज को वापस स्थापित करना, रिस्टोर करना, पुनर्स्थापित करना, तो ये नहीं होगा, मिलता जुलता तो है बट ये होगा नहीं। एक्सडस यानी होता है बहुत सारे लोगों के साथ बाहर चले जाना, इनफ्लक्स होता है लेकिन इनफ्लक्स दे नहीं रखा। अब इसमें एक वर्ड दे रखा है अपने को रिटर्न बैक, क्या दे रखा है दोस्तों, रिटर्न बैक है ना, तो एक्सडस का रिटर्न बैक भी हो सकता है वापस आना, लेकिन फिर ध्यान देना एक्सडस होता है बहुत सारे लोगों का अपना घर परिवार अपना गांव छोड़कर चले जाना, बहुत सारे लोगों का एक साथ बहुत सारे लोगों का वापस अपने घर आना इनफ्लक्स कहलाता है। वैसे तो एक क्वेश्चन आएगा ये, लेकिन इनफ्लक्स दिया हुआ नहीं है, एक वर्ड दिया हुआ है होम कमिंग, मतलब वापस घर आ जाना। अब होम कमिंग मतलब एक भी आ सकता है, बहुत सारे भी आ सकते हैं, तो ये भी आंसर अब चूंकि इनफ्लक्स नहीं दिया हुआ इसलिए हम आंसर अब यहां होम कमिंग कर देंगे। एक्सडस का जो एंटोनिम होगा वो हमारा हो जाएगा होम कमिंग, डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, शैलो, अभी थोड़ी देर पहले आया था, शैलो यानी छिछला होता है, जहां पानी कम गहरा होता है, तो गहरे के लिए डीप आ जाएगा, शैलो का डीप, ब्रीफ, शॉर्ट, लॉन्ग, डीप हो जाएगा। शैलो यानी कम गहरा, छिछला, और डीप यानी गहरा, तो अपना आंसर शैलो का डीप हो जाएगा। ओके, अब आप बात करते हैं असेंड, असेंड यानी होता है चढ़ाई करना, कोई ऊंचाई पर पहाड़ी पर चढ़ाई करना, चढ़ाई करना, असेंड, असेंड देखो एस सी ई एन डी है और ए अलग वर्ड है, इस ए की जगह मैं डी लगा दूंगा, डी ई, डिसेंड हो जाएगा, देखो डिसेंड, ये आंसर हो जाएगा इसका एंटोनिम। असेंड यानी क्या होता है, असेंड यानी होता है चढ़ाई करना, और डिसेंड यानी क्या होता है, नीचे उतरना, स्लोप में वापस चढ़ाई से नीचे की तरफ आना, तो वो कहलाता है डिसेंड, असेंड चढ़ाई करना, डिसेंड यानी नीचे उतरना, ठीक है, तो आंसर अपना डी हो जाएगा 63 का। 64 ट्रू, ट्रू यानी होता है सच, तो झूठ हो जाएगा, फॉल्स दे रखा है, ट्रू फॉल्स पढ़ा होगा आपने, ट्रू यानी सच, फॉल्स यानी झूठ, तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, जेन्युइन तो इसी का फैक्ट सिनोनिम है, जेन्युइन सिनोनिम, एग्जेम्प्ट यानी मुक्ति प्रदान करना होता है, तो वो नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा 64 का फॉल्स। फिर आ जाओ 65 मोटिफाई, मोटिफाई याद रखो, मोटी अपने यहाँ हिंदी बोलते हैं मोटी, ये मोटी है तू, मोटी मोटी, तो मोटी आप चिढ़ा रहे हो किसी को, किसी को आप बेइज्जती कर रहे हो, किसी को आप है ना ऐसे छेड़ रहे हो, मोटिफाई कर रहे हो, तो आप ना किसी को शर्मिंदा कर रहे हो, किसी की आप बेइज्जती कर रहे हो, उसको कहते हैं मोटिफाई, मोटी मोटी मोटिफाई,
ऐसे याद रखना, मोटी मोटी बोल के चिढ़ा रहे हो, उसके बेइज्जती कर रहे हो, तो क्रश, क्रश भी होता है बेइज्जती करना, सिनोनिम में। चैशन वर्ड होता है प्योरीफाई करना, चेस्ट वर्ड आया था भी पवित्र, तो टू प्योरीफाई, किसी को पवित्र बनाना, किसी को सही करना। अबैश होता है वही शर्मिंदा करना, ऑनर होता है सम्मान देना, मोटिफ यानी चिढ़ाना, बेइज्जती करना, और ऑनर यानी सम्मान देना, ऑनर यानी क्या होगा, सम्मान देना। तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड आ गया, इसका इसका एंटोनिम हो गया ऑनर, मोटिफाई का अब कर देंगे ऑनर। आगे चलते हैं 66, टेंजिबल, बहुत आता है नाउंस वगैरह हम पढ़ते हैं हम लोग और कई जगह पढ़ते हैं। टेंजिबल होता है टेंजिबल इनटेंजिबल, टेंजिबल यानी मूर्त, जिसकी आप शक्ल सूरत बना सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल, जिनकी शक्ल बना सकते हैं, रूप आकार सब होता है उनका, उन्हें टेंजिबल कहते हैं, और जिनके रूप आकार नहीं होते उनको इनटेंजिबल कहते हैं। इनके दो नाम और होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्क्रीट होता है और इनटेंजिबल होता है एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त। तो टेंजिबल का सॉलिड होगा क्या, टेंजिबल यानी मूर्त, जिसके आप शक्ल सूरत बना सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, सॉलिड एक्चुअल कॉन्क्रीट, ये तीनों नहीं होंगे। और ये देखो होता है एथरियल, एथरियल होता है आध्यात्मिक काल्पनिक, है ना, जिसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो अमूर्त होता है, एथरियल होना चाहिए 66 का आंसर, एथरियल, है ना, एथरियल मतलब अमूर्त आध्यात्मिक। देखो ये सॉलिड जो ठोस है वो दिखता है, एक्चुअल जो चीजें दिखती है कॉन्क्रीट, ये तो सिनोनिम है ही, ये तीनों तो सिनोनिम है, ये तीनों सिनोनिम्स है। तो हम तो इसके अब नेगेटिव पूछ रहे थे, तो नेगेटिव इसका एथरियल, एथरियल यानी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक अमूर्त, ये अमूर्त, ये मूर्त होता है, टेंजिबल मूर्त होता है, इसकी मूर्ति बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं, एथरियल अमूर्त होता है, अमूर्त होता है। तो हमारा 66 का आंसर हो जाएगा एथरियल, डी आंसर, ठीक है ना, 66 का डी करेंगे। 67, फेमस, फेमस है जो प्रसिद्ध है, ऑब्स्क्योर जो अनजान है, जिसको लोग जानते नहीं है, ऑब्स्क्योर जटिल है, एमिनेंट, ये तो फेमस ही होता है, ये तो दोनों एक ही शब्द है एमिनेंट और ये, लीनियंट होता है जो स्ट्रिक्ट, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, पेरेंट्स लीनियंट हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, और लीनियंट मतलब जो नरमाई बरतते हैं, माँ बाप जो बच्चों को ज्यादा कहते नहीं है, टीचर जो बच्चों को कहते नहीं है, लीनियंट मतलब नरम माइल्ड होता है, स्ट्रिक्ट का ऑपोजिट होता है, एंटोनिम होता है, तो ये यानी आएगा फेबुलस शानदार। तो ऑब्स्क्योर होगा फेमस, जो जिसको लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, ऑब्स्क्योर जिसको लोग नहीं जानते हैं, अनजान है, ऑब्स्क्योर है, कठिन है, जिसको लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, ऑब्स्क्योर अनजान, ए आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्रोवर्सियल, कॉन्ट्रोवर्सल, कॉन्ट्रोवर्सल इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एक्चुअली में, कॉन्ट्रोवर्सल, कॉन्ट्रोवर्सल विवादास्पद, जिसमें विवाद हो, तो इनडिस्प्यूटेबल जिसमें कॉन्ट्रोवर्सल विवादास्पद, और इनडिस्प्यूटेबल जिसमें डिस्प्यूट ना हो, कॉन्ट्रोवर्सल और डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूट है जिसके अंदर वो कॉन्ट्रोवर्सल है, तो ये तो सिनोनिम हो गए, इनडिस्प्यूटेबल यानी जिसमें डिस्प्यूट ना हो, जिसमें कोई विवाद ना हो, तो ये मेरे हिसाब से इसका एंटोनिम हो सकता है। रेस्ट्रेन यानी प्रतिबंधित, कंट्रोल यानी नियंत्रित, और अपीजिंग यानी किसी को अपीज करना, तुष्टिकरण करना, किसी को ऐसे ना चमचागिरी करना, किसी को राजी करना, किसी को खुश करने को चीज करना, अपीज करना, किसी को तुष्टिकरण करना, तुष्टि करना किसी की, तो वो नहीं होगा, इनडिस्प्यूटेबल होगा, है ना। कॉन्ट्रोवर्सल यानी होता है विवादास्पद, और इनडिस्प्यूटेबल होता है गैर विवादित, जिसमें कोई विवाद नहीं होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, इसे है एम आई एस ई आर वाई, ई आर वाई इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मिजरी, मिजरी यानी होता है ग्रेट ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुख, सैडनेस, मिजरी बहुत ज्यादा पीड़ा, कष्ट, दुख, उसको कहते हैं मिजरी।
तो ग्लेड यानी खुश, इसका ऑपोजिट हो सकता है, प्लेजेंट यानी सुहावना, इंजॉय यानी आनंद, और ब्लिस यानी होता है बहुत ज्यादा खुश, ग्रेट हैप्पीनेस, ब्लिस बहुत ज्यादा खुशी। ग्रेट हैप्पीनेस, ज्यादा खुशी के लिए आता है ब्लिस। तो मिजरी बहुत ज्यादा दुख, और ब्लिस यानी बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम, ये भी एंटोनिम है, बट जो पर्टिकुलर जो जाएगा, जो बिल्कुल सॉलिड जो सही आंसर है वो इसका होगा ब्लिस। ब्लिस यानी ज्यादा खुशी, मिजरी यानी ज्यादा दुख। तो एक दूसरे के उस डिग्री के हिसाब से दोनों सही बैठते हैं एंटोनिम। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70, नेग्लिजेंट लापरवाह, नेग्लिजेंट लापरवाह, इसको परवाह नहीं बेपरवाह। इनअटेंटिव जो ध्यान नहीं देता है, अटेंटिव सतर्क रहने वाला, इनअटेंटिव ध्यान नहीं देता, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट यानी क्या होता है, जो लोग ऐसे होते हैं जो जल्द बाजी में काम करते हैं, रैश डिसीजन लेते हैं, रैकलेस होते हैं, रैश होते हैं, जल्दबाजी में काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें आप इम्प्रूडेंट कहते हैं। इन अटेंटिव तो सिनोनिम हो गया, तो इम्प्रूडेंट भी होते हैं, सिनोनिम हो गए एक तरह से, जल्दबाजी में काम करने वाले लोग, तो लापरवाही कर सकते हैं जल्दबाजी में काम करने वाले लोग, ध्यान से नहीं काम करते हैं। इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं हो, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण नहीं होती। केयरफुल, तो बड़े केयर से काम करता है, सावधानी से काम करता है। तो नेग्लिजेंट का अगर आप एंटोनिम की बात करें तो वो केयरफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? केयरफुल। नेग्लिजेंट यानी बहुत ज्यादा लापरवाही करना, और केयरफुल यानी ध्यान से सावधानी से काम करना। तो डी आंसर हो जाएगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो बेईमान के लिए डिसऑनेस्ट, करप्ट, बेक है ना, ऐसे लोग आ जाएंगे। तो इनफैक्ट, क्लींस, करप्ट, पोल्यूट, करप्ट, करप्ट यानी भ्रष्ट होता है, वैसे डिसऑनेस्ट भी होता है, क्वेश्चन आएगा ऑनेस्ट का, डिसऑनेस्ट भी होता है, आप जानते हैं सही हो, और करप्ट वही तो होता है जो करप्ट होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग, बेईमान लोग, वो तो करप्ट कहते हैं। तो ऑनेस्ट का आंसर करप्ट हो जाएगा। ये कोर्ट एलडीसी जयपुर वाले एग्जाम में 2014 में आया था। कोर्ट एलडीसी, एक तो आरपीएससी का एलडीसी होता है, अलग अलग एलडीसी एग्जाम हो सकते हैं, एसएससी में होता है, आरपीएससी में होता है, यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी होता है, कि ये कोर्ट एलडीसी भी होता है, इसमें आया था। ऑनेस्ट का करप्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, करप्ट यानी भ्रष्ट बेईमान। 72 के अंदर डेड लॉक, डेड लॉक बिल्कुल जो लॉक हो गया, और डेड उसके बाद कुछ नहीं, आगे रास्ता बंद, गतिरोध, डेड लॉक, बिल्कुल बंद हो गया रास्ता, गतिरोध है, रुकावट आ गई है, डेड लॉक, चीज रुक गई है, अब आगे बढ़ नहीं पा रही, डेड लॉक, लॉक मतलब ताला बंद, बंद रोक दिया, गतिरोध, गति में रुकावट आ गई, चलने में रुकावट आ गई, डेड लॉक कहते हैं इसको। स्टॉपेज, रुकावट आ गई, डेवलपमेंट वृद्धि हो रही है, सेफ डेवलपमेंट विकास हो रहा है, सेफ सुरक्षित है, प्रोग्रेस उन्नति हो रही है। तो डेड लॉक यानी उन्नति रुकना, गतिरोध हो जाना, जैसे कोरोना की वजह से इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हर हर एरिया के अंदर डेड लॉक आ गया। अब जब चीजें बढ़ने लगेंगी, उन्नति करने लगेंगी, तो प्रोग्रेस करेंगी। तो अपना आंसर तो इसका 72 का आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए डेड लॉक का प्रोग्रेस, उन्नति करना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। सेकुलर, सेकुलर बहुत सुना होगा, ये जब से मोदी की सरकार बनी है, लोग सेकुलर वर्ड को तो बहुत ज्यादा उन्होंने फेमस कर दिया है, पूरे इंडिया में सेकुलर वर्ड लोग बहुत यूज करते हैं। सेकुलर मतलब ऐसा देश, ऐसी सरकार, ऐसा आदमी जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, इसे आप हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्ष। सेकुलर को हिंदी में कहा जाता है धर्म निरपेक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? धर्म निरपेक्ष, सेकुलर, ठीक है ना, जो धर्म को नहीं मानता किसी भी धर्म में, मतलब सब धर्म उसके लिए बराबर है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नहीं होगा,
आध्यात्मिक तो धर्म वर्म में विश्वास करने लोग होते हैं जनरली, मॉरल नैतिक रिलीजियस ये प्रॉपर इसका ऑपोजिट है, एंटोनिम्स है। सेकुलर एंड धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, और रिलीजियस होता है जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को रिलीजन को मानने वाले लोग। तो अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की तो वो होना चाहिए रिलीजियस। राइटियस यानी सही उच्चारण, सही आचरण करने वाले, मॉरल स्पिरिचुअल, ये सब सिनोनिम है, बट रिलीजियस होता है इसका जस्ट एंटोनिम। ये आपस में सिनोनिम है इसके, लेकिन एंटोनिम नहीं है। सेकुलर का होगा रिलीजियस धार्मिक, और वो होता है धर्मनिरपेक्ष। ये धर्मनिरपेक्ष है और ये रिलीजियस यानी धार्मिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाना, मतलब अत्याचार ना, बहुत ज्यादा अत्याचार, जंगली की तरह ब्रूटलिटी, निर्दयता, बिल्कुल निर्दयता से व्यवहार करना, और ह्यूमैनिटी मानवता से, दया भाव से व्यवहार करना। तो इसका ये हो जाएगा, ब्रूटलिटी का जो एंटोनिम होता है वो होता है ह्यूमैनिटी, मानव का मानव के प्रति दया का भाव होना, वो होता है ह्यूमैनिटी। और एक मानव जब दूसरे आदमी को जानवर की तरह मार दे, कोई दया भाव ना हो, उसको कहते हैं ब्रूटलिटी। तो ब्रूटलिटी का जो अपना एंटोनिम होगा वो होगा ह्यूमैनिटी, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी। क्रुएल्टी इसका सिनोनिम है, मर्सी दया होती है, बट ब्रूटलिटी के हिसाब से ह्यूमैनिटी वो बिल्कुल सटीक जाएगा। बेस्टिलिटी वो निर्दयता के लिए आता है, क्रुएल्टी, बेस्टिलिटी, ब्रूटलिटी, ये सब सिनोनिम्स है। आंसर होगा इसका ह्यूमैनिटी। अब आ जाइए क्वेश्चन 75। विजिबल यानी जो चीज दिखती है उसको विजिबल कहते हैं, जो नहीं दिखती उसको इनविजिबल कहते हैं। मिरर इनविजिबल, क्लेट इनविजिबल। विजिबल जो दिखता है, इनविजिबल जो नहीं दिखता। आपने कोई मूवी देखी हो, हॉलीवुड मूवी है साईफाई, इनविजिबल मैन, ऐसा एक लेसन भी इंग्लिश के अंदर इनविजिबल मैन कहीं पढ़ा हुआ मैं 10th 12th में, ऐसा व्यक्ति जो दिखता नहीं हो, इनविजिबल जो दिखता नहीं हो। विजिबल जो दिखता है, इनविजिबल जो नहीं दिखता है। 76। अलाइव, अलाइव यानी जिंदा, और डेड यानी मरा हुआ। तो पैसिव, डेड, असलीप, ड्रोजी। ड्रोजी होता है ऊँगने वाला, असलीप नींद आने वाला, पैसिव निष्क्रिय, अलाइव जिंदा, और डेड मरा हुआ। ये बिल्कुल इसका सही एक एंटोनिम होगा। 77। नैरो, नैरो यानी सकड़ा, तो चौड़े के लिए ब्रॉड या वाइड आता है। तो हैवी भारी, टाइट कसा हुआ, फ्रूगल मित, वही जो कम खर्च करता है, और ब्रॉड यानी चौड़ा। तो हमारा नैरो का ऑपोजिट ब्रॉड हो जाएगा। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वहां ब्रॉड का नैरो किया, नैरो का ब्रॉड कर दिया, वाइड भी होता है, तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा सरल क्वेश्चन था, कोट LDC 12 में आया हुआ है, नैरो यानी सकड़ा, ब्रॉड यानी चौड़ा। आगे चलते हैं। स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी डरा हुआ, स्केयर्ड डरा हुआ, और फियरलेस इसमें कोई डर ना हो, फियरलेस। थिन पतला, टीच पढ़ाना, वाइल्ड जंगली नहीं, स्केयर्ड यानी होता है डरा हुआ। स्केरी मूवीज, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूं, तो डरा हुआ हूं तो स्केयर्ड, और कोई डर नहीं, आई एम फियरलेस, मिंदर कोई फियर नहीं है, आई एम फियरलेस, ठीक है ना। तो फियरलेस आंसर हो जाएगा 78 का। बात करते हैं 79 के ऊपर। स्लो, स्लो यानी धीरे, तो ब्लो यानी बहना, फास्ट यानी तेज, स्लो धीरे, फास्ट यानी तेज, तो फास्ट आंसर हो जाएगा, स्पीड स्प्रेड नहीं, फास्ट हो जाएगा आंसर, स्लो का फास्ट हो जाएगा। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान, ये हो जाएगा। थोड़ी देर पहले करप्ट आया था, अब ये आ गया, एक ही बात है, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। बोनाफाइड होता है मूल, ऑथेंटिक, असली, इसमें कोई मिलावट नहीं है, मूल है, ऑथेंटिक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र जो बनता है हमारा, वो बोनाफाइड होता है। तो बोनाफाइड मतलब कोई वो नहीं, बिल्कुल बढ़िया चीज है। बोना, बोना यानी अच्छे के लिए आता है, बोन जो वर्ड है ये अच्छे के लिए आता है, अच्छा, वेल, गुड, ठीक है ना, अच्छे के लिए आता है बोनाफाइड, अच्छा, बढ़िया आचरण का, बढ़िया मतलब की चीज है कोई, और इसका मतलब मूल भी होता है, आप कहाँ के, मूल रूप से कहाँ से हो, बोनाफाइड, ऑथेंटिक, जेन्युइन, जेन्युइन होता है, जेन्युइन भी होता है, ऑथेंटिक, जेन्युइनली कहाँ से आप, जेन्युइन। तो इंटेंशन इसका ऑपोजिट इरादा नहीं, एक्स्ट्राफाइड, मेलाफाइड, हाँ मेलाफाइड होता है, मेलफाइड, मेलियन होता है दुर्भावना,
दुर्भावनापूर्ण तरीके से, गलत तरीके से कोई चीज हो तो मेलफाइड, और अच्छे तरीके से हो तो वेल, गुड तरीके से हो तो बोनाफाइड। तो मेलफाइड हो जाएगा, मेलाफाइड, दुर्भावनापूर्ण। ध्यान रखना, बोनाफाइड का एंटोनिम मिस बोनाफाइड नहीं होता है, मेलाफाइड होगा, मेलाफाइड दुर्भावनापूर्ण, वो अच्छे भावना से, सदाशय, अच्छे आचरण से उसके लिए यूज करते हैं। अब 82 आ जाओ, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, रिजर्व नेचर के होते हैं, साइलेंट होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, ये अंदर ही अंदर रहते हैं। इंट्रोवर्ट अपने अंदर, अंतर्मुखी कहते हैं इनको हिंदी में, अंतर्मुखी, जो अपने अंदर ही रहते हैं, अपने से ही बातें करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, उनको कहते हैं आप इंट्रोवर्ट। और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, बाहर के लोगों से खूब बात करते हैं, उनको आप बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या कहते हैं उनको? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट को हिंदी में कहते हैं बहिर्मुखी। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? बहिर्मुखी कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखो लैंडिंग, कोई जब हवाई जहाज जब नीचे आता है जमीन पे तो लैंड करता है, उसको लैंडिंग कहते हैं। और हवाई जहाज का वापस उड़ने को कहते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ, जमीन से ऑफ ले, दूर हो जाना, टेक ऑफ। तो लैंडिंग का होगा टेक ऑफ, हवाई जहाज का नीचे आना लैंडिंग, ऊपर उड़ना टेक ऑफ, तो लैंडिंग का टेक ऑफ हो जाएगा। लीगल, कानूनी, इलीगल, गैर कानूनी, अनलीगल, डिसलीगल, पैरालीगल, इलीगल, इलीगल, लीगल का इलीगल होता है, बहुत सिंपल है ये तो। रूरल, रूरल मतलब गांव का, ग्रामीण, तो शहरी को बोलते हैं अर्बन, अर्बन शहरी, काफी प्रचलित वर्ड है, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। तो रूरल का जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा अर्बन, शहरी। फिर देखिए इंट्रोवर्ट अभी आया था, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, वापस आ गया, वो अलग एग्जाम में था, ये अलग एग्जाम में, हाई कोर्ट एलडीसी में था, वो कोर्ट एलडीसी में था। तो देखो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, शैलो, इंट्रोवर्ट, डीप, कई क्वेश्चन आ चुके हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं। विक्ट्री यानी जीत, थोड़ी देर पहले भी आया था, विक्ट्री का हमने किया था वहां पे, विक्ट्री यानी जीतना और डिफीट हार, अब यहां पर रहेगा डिफीट, बिल्कुल है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देखो आप पहले भी आ चुका, विक्ट्री यानी जीत और डिफीट यानी हार, तो हार हो जाएगा इसका प्रॉपर वर्ड, जो विक्ट्री के लिए वो डिफीट होगा, विन जीतना, इसके लिए लॉस होगा, और विक्ट्री के लिए डिफीट होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, विक्ट्री यानी जीत, डिफीट यानी हार। कन्फॉर्म, कन्फॉर्म होता है किसी चीज के अनुसार काम करना, कोई फॉर्म, कोई रूप है, उस रूप के अनुसार, किसी चीज के अनुसार, कोई नियम है, कोई आदेश है, कोई निर्देश है, उनके अनुसार काम करना कन्फर्म कहलाता है, ठीक है ना। और स्ट्रे यानी आवारा भटकना, डेविएट यानी विचलित होना, रास्ता भटकना, डेविएशन सुना होगा विचलन, डेविएशन मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे, डेविएशन होता है विचलन, तो डेविएट होता है विचलित होना, रास्ते से अलग होना, भटकना। और किसी रास्ते के हिसाब से, किसी फॉर्म के हिसाब से, तयशुदा प्रोग्राम के हिसाब से अगर आप चलते हो तो कन्फर्म होता है, रास्ते से भटकने के लिए डेविएट होता है, अबंडन छोड़ देना, त्याग देना, चेंज, परिवर्तन कर लेना, डेविएट आएगा। कन्फर्म किसी चीज के अनुसार काम करना, और डेविएट रास्ते को बदल लेना, डेविएट होना। फिर देखो डीके, डीके यानी होता सड़ना, डीके सड़ना, फ्लॉरिश पनपना, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा, डीके यानी सड़ना और फ्लॉरिश यानी पनपना, क्या हो जाएगा? पनपना, ठीक है ना। पनपना हो जाएगा। डिसाइड निश्चय करना, डिराइड उतर जाना, फास्ट टर्म कोई चीज को बांधना वो होगा, तो डीके यानी तो सड़ना होता है, फ्लोरिश यानी पनपना होता है, पनपना, तो आंसर ए हो जाएगा। 90, कोर्स, कोर्स होता है कपड़ा, एक टेक्सचर जो रफ होता है, रफ टेक्सचर, बिल्कुल खुरदुरा कपड़ा, खुरदुरा, खुरदुरा जो होता है उसे आप बोलते हैं, है ना,
कोर्स, खुरदरा इंग्लिश में कह सकते हैं, ये रफ टेक्सचर होता है ना, रफ टेक्सचर। कोई कपड़ा जो खुरदरा सा होता है ना, सॉफ्ट होता है एक, तो एक खुरदरा होता है, तो खुरदरे के लिए आता है रफ। ये तो सिनोनिम हो गया, पेनफुल नहीं, डेलिकेट, बिल्कुल डेलिकेट, सॉफ्ट, ये इसका ऑपोजिट होता है। कोर्स होता है खुरदरा और डेलिकेट होता है सॉफ्ट, है ना, डेलिकेट, मुलायम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेलिकेट हो जाएगा। 90 का आंसर सी हो जाएगा, डेलिकेट, ठीक है ना। कोर्स यानी खुरदरा, डेलिकेट यानी सॉफ्ट, मुलायम। 91, फैसिनेट यानी होता है आकर्षित करना, फैसिनेट आकर्षित होना, अट्रैक्ट की तरह होता है, बड़े अट्रैक्ट आकर्षित होता है और फैसिनेट आकर्षित होता है। अभी क्वेश्चन किया था, ऑप्शन देख के मुझे याद आ रहा है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, दोनों पोल एक दूसरे को अलग अलग, जो ऑपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और उसका हमने एंटोनिम पढ़ा था रिपेल। तो रिपेल यानी होता है प्रतिकर्षित करना, एक दूसरे को दूर भगाना, फैसिनेट आकर्षित करना, रिपेल यानी दूर भगाना। तो आंसर ए हो जाएगा, फैसिनेट आकर्षित करना, एक्सेप्ट, इंप्रेस, अफेक्ट, ये तो ये तीनों तो बिल्कुल सिनोनिम जैसे हो गए। इसका ऑपोजिट वर्ड की बात करें तो रिपेल होगा, रिपेल यानी प्रतिकर्षित करना, और फैसिनेट यानी अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। फिर 92 देखिए, फो, फो यानी होता है दुश्मन, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड। ये पहले भी आया था, पहला क्वेश्चन था हमारा, वहां था फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का हमने फोर्स किया था, अब आ गया फो एक वचन, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड, है ना। एनिमी, राइवल, ये दोनों तो इसके सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, और फ्रेंड इसका ऑपोजिट है, एंटोनिम ये हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। Which of them does not match correctly? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा? आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में 2011 में क्वेश्चन आया, जूनियर अकाउंटेंट के 2011 में आया था क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में चार वर्ड दे दिया आपको, इसमें कोई मैच करेक्टली मैच नहीं करता है। मतलब तीन तो ऐसे हैं जो सही एंटोनिम है, एक गलत एंटोनिम। विकेरियस, विकेरियस मतलब होता है जब किसी चीज को आप खुद ना करके जब कोई दूसरा कर रहा है उससे आप अनुभव करते हैं, तो ये रियल नहीं होता, ये जेन्युइन नहीं होता, ये किसी के थ्रू करते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो कोई मैच खेल रही है, और वो जब खेल रही है तो वो दुखी हो रही तो आप दुखी हो रहे हैं, वो जीत रही तो आप खुश हो रहे हैं, वो थक रही तो आपको भी थकावट हो रही है, मतलब जैसा वो फील कर रही है वैसा आप फील कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप खुद फील नहीं कर रहे, उसके थ्रू आप फील कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप हीरो अगर खुश हो रहा है फिल्म में तो आप भी खुश हो रहे हैं, वो लड़ रहा है तो आपका ही मन कर रहा है लड़ने का, इस प्रकार की जो फीलिंग होती है उनको हम विकेरियस फीलिंग कहते हैं, दैट इज नोन एज विकेरियस। तो विकेरियस है, और एक्चुअल होता है खुद करके वास्तव, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल ये तो है, ये तो सही कॉलम है, कौन सा सही नहीं वो पूछ रहा है। रैशनलाइजेशन, रैशनल होता है दिमाग से जुड़ा हुआ, रैशनल तर्कसंगत, और जस्टिफिकेशन न्याय के हिसाब से जस्टिफाई जो होता है, जो तर्कसंगत है, जो बुद्धि की जो बात कह रही है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। हम पढ़ रहे हैं एंटोनिम, कौन सा एंटोनिम सही मैच नहीं कर रहा, तो ये सही मैच नहीं कर रहा, ये तो एक दूसरे के एंटोनिम थे, ये सिनोनिम है। ग्रेगेरियस होता है ऐसे लोग जो सामाजिक हैं, सामाजिक का मतलब जो मिलनसार है, जो लोगों से मिलते हैं, बात करना पसंद करते हैं, वो आउटस्पोकन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोग बात जाते हैं, बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, व्यवहार बनाते हैं, उन लोगों को ग्रेगेरियस, सामाजिक, मिलनसार। और सॉलिटरी होता है जो अकेला रहना पसंद करता है, अकेलापन, एकांकी, तो ये एंटोनिम है दूसरे के। अब्सिक्वियस होता है चापलूसी करना, अब्सिक्वीज यानी होता है चापलूसी करना। और रूड, रूड क्या होता है दोस्तों, रूड मतलब बहुत गंदा व्यवहार करना, बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार करना कहलाता है रूड। और अब्सिक्वियस होता है चापलूसी करना, अब्सिक्वियस चापलूसी करना मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, और रूड बहुत गंदे तरीके से बात करना। तो ये तो एंटोनिम है, तो ये भी एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम है, ये एंटोनिम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी,
कौन सा कॉलम, कौन सा मैच सही नहीं हो रहा, बी वाला नहीं हो रहा, रेशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन, बी आंसर हो जाएगा 93 का। आगे चलिए, पलाइट, पलाइट यानी होता है विनम्र, जो अच्छा व्यवहार करता है, तो इनसिंसियर मतलब जो अच्छा व्यवहार नहीं करता, जो गंभीर व्यवहार नहीं करता, रूड रूखा व्यवहार करता है, रूड रूखा व्यवहार करता है, इनसेंसिटिव, इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव होता है जिज्ञासुपूर्ण, जो जिज्ञासा जिसमें होती है ना, क्यूरियस, ये क्यूरियस होता है, तो पलाइट होता है विनम्र व्यवहार करने वाला, तो अपन कर देंगे रूड बुरा व्यवहार करने वाला, पलाइट का आंसर हम लोग कर देंगे बी, क्या करेंगे दोस्तों, बी रूड, ठीक है। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 95, रिलेंटलेस, ऐसे लोग जो थकते नहीं है, रिलेंटलेस अथक, रिलेंट जिनको थकावट ही नहीं होती, जो कभी थकते नहीं, कभी हार नहीं मानते, अथक, जो हार ना माने, जो कभी थके नहीं, उन्हें आप कहते हैं रिलेंटलेस। तो मर्सीलेस होता है जो दया नहीं करता, यील्डिंग जो हार मान लेता है, यस हार मानने वाला, तो ये एक दूसरे के हो गए, जो थकता नहीं है, जो हार नहीं मानता वो रिलेंटलेस है, जो थक जाता है, जो हार मान जाता है, घुटने टेक देता है, उसको यील्डिंग कहते हैं। तो इसका ये हो जाएगा मोनोटोनस होता है एकांकी, इनसेसिव छोड़ो, तो अपना आंसर हो जाएगा इसका यील्डिंग, हार मानने वाला। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 96, गिव यानी देना और टेक यानी लेना होता है, तो क्या यहाँ पे टेक दे रखा है, पुट, हैव, हैंडल, रिसीव, रिसीव कर दो, गिव यानी देना और रिसीव यानी प्राप्त करना, गिव टेक या गिव और रिसीव एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं, आरपीएससी ने जूनियर अकाउंटेंट 2013-15 में क्वेश्चन पूछा था। फिर देखिए आप 97, एम्पल, एम्पल होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, एम्पल, प्लेंटी यानी प्रचुर मात्रा में, स्केंटी यानी अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा, एम्पल बहुत ज्यादा मात्रा में, स्केंटी बहुत कम मात्रा में, तो आंसर हो जाएगा बी, 97 का आंसर क्या कर देंगे हम लोग, बी कर देंगे, इस एम्पल का स्केंटी, ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं 98, अपसल्यूट, अपसल्यूट, एब्सल्यूट बोलते हैं हम लोग, एब्सल्यूट, एब्सल्यूटली, तो एब्सल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा राजा, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अधिकारी जिसके पास पूरे अधिकार होते हैं, पूर्ण अधिकार, कंप्लीट, कोई लिमिटेशन नहीं, नॉट लिमिटेड, नॉट लिमिटेड, अराजक, पूरी ताकत, तानाशाह, एब्सोल्यूट किंग बोलते हैं उसको, तो कोई लिमिटेशन नहीं, नॉट लिमिटेड, तो लिमिटेड हो जाएगा इसका, सीमित, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, पूरा, कोई लिमिटेड नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। 99 क्या है, डिलीजेंट, डिलीजेंट पढ़ाओ अपने पहले भी, बहुत अच्छा वर्ड है डिलीजेंट, मतलब मेहनती, हार्डवर्किंग, हार्डवर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, हार्डवर्किंग, डिलीजेंट, सब सिनोनिम है। सिक्योर सुरक्षित, इनफर्म मजबूत, आइडल होता है फालतू, आलसी, जो कोई काम नहीं करता, आइडल, फालतू, आलसी, तो आइडल सही हो जाएगा, इंटेंट होशियार होता है, तो डिलीजेंट का जो नेगेटिव जो एंटोनिम होगा, ऑपोजिट होगा, वो आइडल होगा। फिर देखिए आप इनहेरिट, इनहेरिट होता है जब हमें कोई चीज हमारे पेरेंट से, माँ बाप से, खानदान से मिलती है, उसे आप इनहेरिट कह सकते हैं। इनहेरिट होता है वसीयत में मिलने वाली चीज, वसीयत मिलना, आपके पेरेंट्स जो आपके लिए छोड़ गए उसको आप इनहेरिट कहते हैं, वसीयत मिलना भी होता है। और इसमें एक वर्ड दे रखा है बिक्वीथ, बिक्वीथ, वसीयत देना, वसीयत लिखना किसी के लिए, मैं मेरी संपत्ति किसी को दे रहा हूँ, वसीयत लिख के कि साहब मेरे बाद ये मेरे बच्चों की है, अनाथालय की है, गांव की है, जिसकी भी है, मैंने उस वसीयत को दे दिया, आप लिख करके सबको, भाई आप ये आपका है, वसीयत में वसीयत करना किसी के नाम के लिए, किसी को अपनी संपत्ति सौंपना, बिक्वीथ,
और लेना इनहेरिट होता है। तो वसीयत से कोई चीज मिलती है तो इनहेरिट होती है, और वसीयत से कोई चीज देते हैं तो बिक्वीथ होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है ना। हैंडेड का आंसर हो गया अपना ए। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो गए, 50 पहले कर लिए, 50 हमने अभी और कर लिए। ये सब एंटोनिम्स क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दिया होता है और उसका अर्थ पता होना चाहिए, और फिर देखना कि इसका विलोम शब्द कौन सा है। अधिकतर आपने देखा इन क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन बनाते हो, तीन तो वो सिनोनिम देता है, एक विलोम शब्द देता है, तो छांटना थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ लें तो, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अभी ब्रेक लेकर के फिर आपको क्वेश्चन नंबर 100 के बाद बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ी देर बाद करते हैं।